आष्टा सिविल अस्पताल में भाषाशाही और लापरवाही का गहरा संकट, डॉक्टरों की गैरहाजिरी, दवाइयों की कमी और आपातकालीन सेवाओं की अव्यवस्था में मरीज बेहाल। आष्टा 2 अगस्त 2024 आष्टा सिविल अस्पताल में हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी अपनी लापरवाहियों और गैर जिम्मेदार व्यवहार से मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की ड्यूटी के समय पर अनुपस्थिति, अभद्र व्यवहार और लापरवाही ने अस्पताल की सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। अक्सर डॉक्टरों की गैरहाजिरी, मोबाइल पर बात करने और निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता देने की आदतों से मरीज निरंतर परेशान है। बीएमओ भी इस स्थिति में असहाय नजर आते हैं और विधायक द्वारा की गई फटकार का असर महज 1-2 दिन तक ही सीमित रहता है। पंजीयन काउंटरों पर कर्मचारियों की लापरवाही और पर्ची बनाने में आनाकानी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी के समय भी डॉक्टर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और इमरजेंसी सेवाओं में भी भारी कमी है। रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवा में कुछ डॉक्टर शराब के नशे में काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को और भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। दवाइयों की कमी और कर्मचारियों की अज्ञानता के चलते मरीजों को महंगी दवाइयों की खरीदारी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अस्पताल की यह बदहाली न केवल मरीजों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि भाजपा की छवि को भी धूमिल कर रही है। इस बिगड़े हुए हालत को सुधारने के लिए विधायक को सख्त कदम उठाने होंगे। जनता की उम्मीदें अब विधायक पर टिकी है कि वे अस्पताल की स्थिति में सुधार लाएं और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। एमपी न्यूज लाइव आस्था से संदीप छाजेड़ की खास रिपोर्ट। क्या हुआ भाई साहब? माता जी की जांच रिपोर्ट, ये एक्सरे रिपोर्ट। तो मिलते डॉक्टर टाइम पे? नहीं मिलते मिलते मेरे 2-3 बार आया, मिले